दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? नवरात्रि का पहला दिन है आज, तो मैं जल्दी उठी थी 4 बजे। वैसे भी मैं जल्दी ही उठती हूँ, पर पूजा करना था और साथ में मैंने हेयर ऑयलिंग भी किया था, तो मुझे बालों को वॉश भी करना था। टाइम लगता है बालों को सुखाने में और पूजा करने में भी, तो इसलिए मैं सुबह जल्दी उठी थी जिससे सारे काम हो जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल भी जाना था। तो देख सकते हैं ये सुबह का टाइम है और अंधेरा ही था, 4:30 का टाइम होगा। मुझे झाड़ू पोछा करना था, इसके बाद बालों को वॉश करना था, नहाना था और माता रानी की स्थापना करनी थी। टाइम लगता है उसमें, इसलिए मैं जल्दी उठी थी। तो देख सकते हैं मैं पोछा लगा रही हूँ और मैंने ही वीडियो शूट किया था, इसलिए छोटे छोटे क्लिप मैंने लिए हैं, ज़्यादा नहीं ले पाई थी और अंधेरा भी था, इस वजह से प्रॉपर नहीं हो पा रहा था। और पूरे घर में पोछा लगाने के बाद मैं गैलरी में आई, इसको भी मैंने वॉश किया। इसके बाद कूलर में पानी भी भर दिया, क्योंकि सुबह का ही टाइम रहता है, कूलर में पानी जब मैं भरती हूँ झाड़ू पोछा के साथ ही। इसके बाद मैं नहा के वापस आ गई, छत पे मैं गई हूँ, तो देख सकते हैं मैंने कपड़े डाल दिए हैं, थोड़ा थोड़ा उजाला हो गया है। और ये मैंने फूलों को तोड़ा है और मेरी छत पे बहुत सारे गमले हैं जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं, और नवरात्रि में फूलों की ज़रूरत पड़ती है मोस्टली रेड कलर की। तो ये कनेर का पौधा है जिससे मैं फूल चुन रही हूँ। मैंने नवरात्रि के सारे व्रत रखे थे, मैं काफ़ी टाइम से नवरात्रि के सारे व्रत रखती हूँ, तो किस किस ने सारे व्रत रखे हैं मुझे कमेंट जरूर करें, इसलिए प्रिपरेशन करनी रहती है और टाइम लगता है सारी पूजा में कम से कम 2 से 3 घंटे। इसके बाद पूजा करके फिर रेडी होके हॉस्पिटल भी जाना था, इसलिए सारे काम फटाफट करने पड़े। और मेरी छत पे बहुत सारे गमले हैं जिसमें बहुत सारे फ्लावर्स हैं और बहुत अच्छा लगता है, जब भी पूजा हो या फिर ऐसे डेली पूजा में भी आराम से फूल मिल जाते हैं, बाहर ले जाने की ज़रूरत नहीं है लेने की। देख सकते हैं पूजा की थाली रेडी हो गई है और अब मैं नीचे जाऊंगी, पूजा करूंगी। और ये ब्लॉग काफ़ी लेट आ रहा है उसके लिए सॉरी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं मिल रहा है गाइस, तो मैं आपको इसके लिए सॉरी ही बोलना चाहती हूँ। नवरात्रि की पहली पूजा है, पहले दिन की, और इस दिन माताओं को घी चढ़ता है, वही मैंने चढ़ाया है और ये मैंने जई भी बो दिया है, और जिस विधि विधान से पूजा करती हूँ मैं वैसे ही मैंने कर दिया है। और इस दिन पीले कपड़े पहने जाते हैं, तो मैंने पीला सूट पहना था, अगर घर पे होती तो मैं साड़ी वेयर करती, पर मुझे बाहर जाना था हॉस्पिटल, तो इसलिए मैंने ये पीला सूट पहना था। मैंने बालों को वॉश किया था, इसके बाद इन्हें मैंने कॉम किया और अच्छे से सुखाया, इसके बाद जूड़ा बना के ही मैंने पूजा की, क्योंकि कभी भी खुले बालों में पूजा नहीं करनी चाहिए। और अभी मुझे छोटा सा वीडियो क्लिप लेना था, इसलिए मैंने बालों को ओपन किए, क्योंकि थोड़े थोड़े गीले थे, पूजा कर चुकी हूँ मैं। तो देख सकते हैं ये मैं आम के पत्ते लेके आई थी, और ये सब मार्केट में मिल जाते हैं, कलश में इसकी ज़रूरत पड़ती है और तोरण बनाना है, तो अगर मुझे टाइम मिलेगा तो मैं तोरण बनाऊँगी, क्योंकि डेली हॉस्पिटल जाती हूँ तो टाइम बिल्कुल नहीं मिलता है और थकान भी हो जाती है इस वजह से। और ये शाम की पूजा का टाइम है, देख सकते हैं मैंने शाम की पूजा कर दी है, और मैंने आम के पत्तों को ऐसे रख दिया था और ध्यान नहीं दिया, और इस कमरे में पंखा भी चल रहा था, तो इस वजह से ये थोड़े से सूख गए हैं। माता रानी से आप लोग अपनी विश मांग लीजिए और दर्शन कर लीजिए, आपके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएँ। नवरात्रि बहुत अच्छे से गया इस बार, और मैं रेगुलर हॉस्पिटल भी जा रही थी, इस बार मुझे ज़्यादा वीकनेस नहीं लगी क्योंकि रेगुलर जा रही थी उसके बावजूद भी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, माता रानी का आशीर्वाद था जिसकी वजह से सारे नवरात्रि अच्छे से हो गए। और ये मेरे घर का मंदिर है, माता रानी की स्थापना मैंने नीचे किया था। और आज 2nd डे था नवरात्रि का, इस दिन भूरे कलर के कपड़े पहने जाते हैं, पर मेरे पास पूरे भूरे कलर के कपड़े यहाँ पे नहीं थे, इंदौर में है, तो ये मैंने ग्रीन कलर का सूट पहना था, इसमें भूरे कलर के फ्लावर्स पहने थे, तो मैंने इसको पहन लिया। और मैंने इस बार नवरात्रि में जिस दिन जिस कलर के कपड़े पहने जाते हैं वही पहने थे, कुछ क्लिप मैंने वीडियो की डाली है इसमें, कुछ नहीं डाली हैं। और देख सकते हैं ये मैंने केसरिया ऑरेंज कलर का भी पहना था, ये शायद 3rd या 4th दिन का है, इस दिन मैं छत पे वीडियो बनाने आई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था कि मैं आप लोगों को अपना गार्डन दिखाऊं, तो ये मैं दिखा रही हूँ, मैंने हेयर ऑयलिंग किया था। तो जिसको वीडियो देखना है हेयर ऑयलिंग की, कि मैं व्रत में कौन सा तेल लगाती हूँ और कैसे लगाती हूँ, तो वो चैनल पे जाके देख सकते हैं, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दे दूंगी। ये मेरे मायके की छत का छोटा सा गार्डन है, इसमें आपको मेडिसिनल प्लांट से लेके फ्लावरिंग प्लांट सब चीज़ें मिल जाएंगी, और बहुत अच्छा लगता है, छत पे बैठ के आप शांति से पौधों से बात कर सकते हैं, आपका मन भी बहुत खुश हो जाएगा। और ये नेक्स्ट डे की पूजा का छोटा सा क्लिप है गाइस, माता रानी के लिए जय माता दी जरूर लिखें, माता रानी आप सबके जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेके आएं और मंगल करें, इसी कामना के साथ अब मैं इस ब्लॉग को एंड कर दूंगी।
और आप लोग जय माता दी जरूर लिखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते जाना, और इसका सेकेंड पार्ट भी मैं इसके बाद अपलोड कर दूंगी, तो उसको विजिट जरूर करें। मैंने कन्या पूजन कैसे किया था वो सब आपको दिखेगा, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट देते रहना। जय माता दी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।